नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय महावीर गोयल पर। हम संख्याओं पर संक्रियाएं कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने गुणा के बारे में आपको बताया था। पहली वीडियो में जोड़ घटा, उससे अगली में गुणा, और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जोड़ घटा गुणा भाग, चारों संक्रियाएं हम एक साथ किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताऊंगा। इस वीडियो से पहले आपने मेरे पहले वाले वीडियो अवश्य देखनी है और वहां से प्रश्न करने हैं, और उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाग का अर्थ है बांटना, अर्थात जैसे मेरे पास ये चार पेन है। कितने पेन है बच्चों? देखो मेरे हाथ में चार पेन, इन चार पेनों को मैंने दो बच्चों में बांटना है। और ये देखो चार पेन, या चार केले हो सकते हैं, या चार सेब हो सकते हैं, कोई भी चार वस्तुएं हो सकती है, कितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं। मैं दो बच्चों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, वो बराबर भी बटेंगी, कई बार बराबर नहीं भी बटती तो हमारे पास कुछ वस्तुएं बच जाएंगी। अभी मेरे पास चार वस्तुएं हैं, दो बच्चों में बांटना है, तो ये कितनी कितनी आ गई, एक इसको दे दो, आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी, यानी कि दो दो दे दी दोनों को। तो चार भाग दो भाग, इसको हम भाग को आप पहले पता है आपको, चार बटा दो भी कह सकते हैं, या इस प्रकार चार भाग दो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा भाग का चिन्ह है, निशान है भाग का, और एक भाग का निशान ये भी। तो इस प्रकार से हम भाग का निशान ये है हमारा सिंबल, आपने याद रखना है। ये पहली वीडियो बताया था आपको, ये जोड़ का, ये घटा का, ये गुणा का, और ये हमारा भाग का निशान है। निशान भी आपने ध्यान रखने हैं। प्यारे बच्चों, चार को दो से भाग किया तो दो बच्चों में चार वस्तुएं बांटी। पहले हम एक एक वस्तु देंगे दोनों बच्चों को, चलो मैं आपको इसकी क्लियर समझा देता हूँ। आज पहले एक एक बच्चे एक एक वस्तु दी दोनों को, एक उसको दी एक उसको दी, तो चार में से दो दे दी, एक उसको दी, दो दे दी, तो कितनी बच गई? दो बच गई। भाई बच्चे भी दो है, वस्तुएं भी दो है, तो मैंने फिर एक एक और दे सकते हैं ना हमको। तो इस प्रकार से हमने एक एक और दे दी, दो में से दो दे दी, शून्य बच गई। चाहे कितनी भी बचे, जब तक हमारे पास वस्तुएं बचेंगी तब तक हमने उनको बांटते रहना है। मान लीजिए आपके पास नौ वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं? नौ, नौ पेन है, आपने दो बच्चों में बांट लिया। जैसे मैंने बताया था आपको, पहली बार मैंने उनको एक एक पेन दे दी, दोनों को दो पेन दे दिए तो सात बच गए। अब फिर दो से ज्यादा है, मैं और अधिक पेन उनको बांट सकता हूँ। फिर अगली बार फिर मैंने उनको एक एक दे दिए, यानी कि दो और दे दिए, तो मेरे पास कितने बच गए? पांच। अब भी दो से ज्यादा है तो मैं फिर उनको एक एक बांट सकता हूँ, तो फिर दो दे दिए, यानी कि तीन बच गए। फिर अब भी दो से ज्यादा है ना, तो मैं एक ही गोल बांट सकता हूँ उनको, एक ही गोल दे दी, दोनों को दो पेनों दे दी, अब एक बच गया। अब ये दो से छोटा आ गया, अब ये मेरे पास, अब मैं इसको बांट नहीं सकता, क्योंकि एक पेन में दो बच्चों में कैसे बांटूंगा। ये बच गया शेष। देखो बच्चों, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैंने दो बच्चों को कितनी बार बांटे? चार बार। तो दो चार बार, मतलब दो चौके आठ। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जब तक हमारे पास कम संख्या नहीं बचेगी तब तक हम उनको बांटेंगे। जैसे दो को एक बार बांटा, दो एकम बच गया सात, तो फिर हम दो करके देखेंगे, दो गुणा दो, दो दूनी चार। अब नौ, नौ बचते थी ना, नौ पेन थे हमारे पास, बचेंगे पांच, तो दो से ज्यादा है तो और बांटेंगे, दो दिया छह, तो बचेंगे नौ में से छह गया तीन, बचेंगे यहाँ पे कितने पेन बचेंगे? दो से ज्यादा है, इसको फिर बांट सकते हैं, दो चौके आठ, तो दो फिर बांट दिए, अब कितना बच गया? एक बच गया, तो एक दो से कम बच गया, अब और पेन हम नहीं बांट सकते। इस प्रकार से हम पारे पढ़ के भी भाग कर सकते हैं। जैसे दो चौके, अब जैसे मान लीजिए नौ को दो से भाग करना है, दो एकम दो, दो दुना चार, दो तिया छ, दो चौका आठ, दो पंजा 10, तो यहाँ पे बचेंगे सात, यहाँ पे बचेंगे पांच, नौ पहला ना, ये अपने ध्यान रखना अपने मन में, यहाँ तीन बचेंगे, यहाँ पे दो बचेंगे, और यहाँ पे हम कम यहाँ बांट नहीं सकते, क्योंकि तो 10 पेन चाहिए हमारे पास है, तो हमारे पास कितने गए? चार गए, दो चौके आठ,
में बांट लिए, एक बच गया शेष। इस प्रकार से आपने बांटने के सवाल पहाड़ों के माध्यम से कर लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने 12 केले 3 बच्चों में बांटने हैं, 3 बच्चों में बांटने हैं, तो 12 को उसी प्रकार से हम इसमें ट्रिक अपनाएंगे। पहली बार उनको हम एक एक केला दे देंगे, 3 बच्चे एक एक केला देंगे तीनों को, तो 3 बांट दिए यानी कि कितने बट गए, 3 × 1 यानी कि 3 बट गए, लेकिन है 12। अगले बार अभी तो बहुत बच गए, 9 बच गए हमारे पास, बचे कितने 9 बचे, 12 थे ना टोटल, अब ज्यादा बच रहे हैं हमारे पास तो दो दो बांट देंगे, एक एक और बांट दिया हमने, अब दो दो गए बच्चों को तो 6 बांट दिए, अब कितने बच गए 12 से 6 बांट दिए 6 बच गए। अब देखिए तीसरी बार फिर एक बार फिर हमने एक एक और बांट दिया, अब तीन तीन हो गए बच्चों के पास, अब 9 बट गए तो कितने बच गए 3 बच गए, फिर 3 बच्चे 3 ही केले तो एक एक और हमने बांट दिया तो 12 के 12 बांट दिए और शेष कितना बच गया 0। तो इस प्रकार से हम 4-4 केले को बच्चों को बांट सकते हैं और 3 × 12, तो कैसे करेंगे इसको, 3 × 12 बढ़ेगी 3 × 12। इस प्रकार से हम बांटने के प्रश्न करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात और समझ लिया आपने, अगर हमारे पास वस्तुएं कम है, अगर हमारे पास वस्तुएं कम है तो हम लोग कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 केले हैं और 6 बच्चों में बांटनी है, यानी कि 5 × 6, तो कैसे करेंगे, कितने कितने केले हैं कितने बचेंगे। अब सीधी सी बात है, 6 बच्चे हैं और केले 5 हैं, तो हम उनको एक एक भी नहीं बांट सकते, यानी कि उनको बिल्कुल बांटेंगे ही नहीं, शून्य शून्य बांटेंगे, शून्य पे गया 12 और 5 बचेगा शेष, तो कितने केले वाले मिले बच्चों को, शून्य केले। तो जहाँ पे कम वस्तुएं आती हैं वहां पर अपने ध्यान रखना है, वहां पर हम वस्तुओं को शून्य शून्य के तरीके से बांटेंगे, शून्य शून्य देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास फिर 54 केले हो जाए, कितने केले हो जाए 54 और 6 बच्चों में बांटने, पहले 5 को बांट देंगे, पहले क्या करेंगे 5 को बांट देंगे, तो कितने कितने बटेंगे, देखिए 5 केले कम है बच्चे 6 हैं तो शून्य शून्य आएंगे, शून्य रहेंगे, तो 5 × 5 हमारे पास बच गए। फिर उतार लिया हमने 4, अब कितने केले हो गए हमारे पास 54, अब 6 केले 54 6 बच्चों में बांट गए, एक एक केले बांटने के 6 × 6, दूसरी बार 6 × 12, तीसरी बार 6 × 3 = 18, चौथी बार 6 × 6 = 24, पांचवी बार 6 × 5 = 30, इसी प्रकार से 6 × 54, 9 केले आ गए 6 × 54, ये पूरा हमारा बट गया और प्रत्येक बच्चे कितने केले मिले 9 केले। इस प्रकार से हम सभी भाग के प्रश्न कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं किस प्रकार से हमने संक्रियाएं करनी है, जैसे क्वेश्चन देखिए 26 + 4 / 2 × 3 = 1, इस प्रकार के प्रश्नों को आपने कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम भाग करेंगे, पहले बांट देंगे, भाग का मतलब बांटना, पहले हम बांटेंगे, पहले हम भाग बांटेंगे, पहले 4 केले 2 बच्चों बांट देंगे, इसको निशान लगा लेंगे अंडरलाइन, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। 26 × 4 से कैसे 4 केले 2 बच्चों में बांट दिए, कितने आ गया 2 आ गया, ये गुणा का निशान है, कैसे 3 है, कैसे 1 है, कैसे यार बराबर निशान लगाना। फिर आगे चलते हैं, अब क्या करना है आपने, अब 2 आगे थे इनको 3 × 2 × 3, 2 × 3 = 6, कितना हो गया 2 × 3, 3 और देने 2 × 3 = 6 आ गया तो √1। अब 26 में 6 मिलाना है और 1 कम कर देना है, 32 + 1 यानी कि इसमें कितना आ गया हमारा 32 + 1 = 31। इसमें क्या नियम लगेगा, हिंदी में कहते हैं भागु योज, भागु योज, भागु योग, भाग का मतलब पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद योग करना है और अंत में घटा करना है आपने, इसको DMAS भी कहते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई एड डिवीजन, ये पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब ऐड और एस मतलब सबट्रैक्ट, ये ऐड करना, पहले आपने भाग करना है, फिर आपने गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। चलिए
एक सवाल इस प्रकार का हम बोल करते हैं, 48 भाग 4 घटा 3 घटा 6 जमा 18 घटा 3 गुणा 2। आइए इस प्रश्न को हल करें। जैसे कि हमने बताया था, पहले भाग करेंगे, पहले बांट देंगे, सबसे पहले वस्तु को बांटना है अपने। 48 के लिए चार बच्चों में बांटेंगे, 48 को 4 से भाग करेंगे, सारे कम 4, 4 दूनी 8, शून्य बच गया शेष, 12 आ गया हमारे यहाँ। अगली लाइन ऐसे कह सकते हैं, ये अपने ध्यान रखना है, एक स्टेप में केवल एक ही संक्रिया को हल करना है। यहाँ पे गुणा को हल करेंगे तो बाकी रकमें ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 × 6 यानी कि 3 × 2 = 3 × 6। अब क्या करेंगे, 12 में 18 मिला रहे हैं, 12 और 18 दोनों मिलाना है, दोनों जोड़ के 12 और 18 मिला दे, कितना आ गया बच्चों 30। कम कितना करना है, 3 ये कम करना है, 6 ये कम करना है और 6 ये कम करना है, 6 और 6 = 12 और 3 = 15। कुल कितने कम करने हैं, 15 कम करने हैं, और कम कर देंगे, 30 में से 15 कम कर दिए, 15 उत्तर आ गया। इस प्रकार से सवालों में अपने ध्यान रखना है, सबसे पहले भाग खुलेगा, उसके बाद गुणा, फिर जमा और अंत में घटा करना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये संक्रियाएं समझ आई होंगी। अच्छे से वीडियो को देखना, प्रश्नों को करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।